नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे थे चौपाल। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आजादी के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 6 सालों में सत्ता से बाहर है और अगले लोकसभा चुनाव तक उसे सत्ता का सुख भोगे 10 साल हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं रही। देश के अधिकतर राज्य कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष विहीन है, कार्यकर्ताओं का विश्वास हिला हुआ है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने कभी बुरा दौर नहीं देखा, लेकिन यह भी सच है कि इतना बुरा दौर भी कभी नहीं देखा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ये कहते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए कि अब गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष बनेगा। राहुल को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़े रहे। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। पहले भी गांधी परिवार के बाहर के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 18 अध्यक्ष देखे हैं, उनमें से गांधी परिवार से सिर्फ 5 अध्यक्ष रहे। 13 अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के रहे हैं। अध्यक्ष भले ही गांधी परिवार का ना रहा हो, लेकिन सुनता वो गांधी परिवार का ही था। 13 गैर पारिवारिक सदस्यों में से 3 सदस्य ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने गांधी परिवार की छत्र छाया में चलने से मना कर दिया था और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। गांधी परिवार के हितों की अनदेखी की और उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। इनमें पहला नाम मुझे याद आ रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन का। भारत के बंटवारे के वक्त से ही कई मुद्दों पर नेहरू और सरदार पटेल में मतभेद थे। जब तक महात्मा गांधी जीवित थे, वो दोनों के बीच हस्तक्षेप कर दिया करते थे और मामला सुलझ जाता था, क्योंकि दोनों गांधी की बात नहीं टालते थे। लेकिन गांधी की हत्या के बाद नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों को सुलझाने वाला कोई नहीं रहा। अक्टूबर 1949 में नेहरू विदेश यात्रा पर थे, तब पटेल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की समिति में आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों के लिए दरवाजे खोल दिए। पटेल के प्रस्ताव का पुरुषोत्तम दास टंडन ने समर्थन किया। ये बातें हैं महेश चंद शर्मा ने अपनी पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय कर्तव्य और विचार में लिखा है। टंडन पटेल के करीबी थे, लेकिन नेहरू को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। 1950 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तब पटेल ने पुरुषोत्तम दास टंडन का समर्थन किया और उनके विरोध में नेहरू ने जेपी कृपलानी को समर्थन दे दिया। हालांकि कृपलानी की हार हुई और टंडन कांग्रेस अध्यक्ष बने। कहते हैं कि नेहरू को यह बात पसंद नहीं आई। नेहरू ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार मान लिया। टंडन को पटेल का समर्थन था, लेकिन पटेल की मृत्यु के बाद टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और नेहरू खुद अध्यक्ष बन गए और फिर यह अध्याय समाप्त हुआ। और इसमें दूसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव का। नरसिम्हा राव राजीव गांधी की मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस वक्त गांधी परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में नहीं था। नरसिम्हा राव को खुली छूट थी कांग्रेस में फैसले लेने के लिए, लेकिन उनके एक फैसले ने उनके और गांधी परिवार के बीच और दूरियां पैदा कर दी। वो फैसला था बोफोर्स कांड पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स स्कैंडल की सीबीआई जांच को गैर जरूरी देकर फाइल बंद करने का फैसला दिया था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने इस फैसले को चुनौती दिया और सोनिया गांधी से उनके रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते इतने बिगड़े कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी, उस वक्त नरसिम्हा राव का नाम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में नहीं था। 2004 में जब नरसिम्हा राव का देहांत हुआ, तो उनके शव को कांग्रेस के अकबर रोड स्थित दफ्तर में अंदर नहीं लाने दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। सोनिया गांधी ये भी नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि दिल्ली में हो, और ऐसा हुआ भी, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बाहर कराया गया। इसमें अगला नाम जो आता है वो सीताराम केसरी का। नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बिहार के केसरी स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी परिवार के भरोसेमंद भी थे, लेकिन जब 1997 में सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का फैसला किया, तो सीताराम की स्थिति कांग्रेस में बद से बदतर हो गई। पार्टी चाहती थी कि सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और सीताराम केसरी स्वेच्छा से उनके लिए स्थान रिक्त कर दें, लेकिन केसरी ने मना कर दिया। सीताराम केसरी को जबरदस्ती कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकाला गया। जब वो कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब मीडिया में रिपोर्ट आई कि दफ्तर से निकलकर जब केसरी अपनी कार तक जा रहे थे, तब बाहर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की कोशिश की। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सीताराम केसरी को दिल्ली में मकान देने की बात की, क्योंकि केसरी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन केसरी ने मना कर दिया कि अब आखिरी वक्त में बिहार में ही रहूंगा। शायद इन अध्यक्षों की स्थिति देखकर ही इस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा और बुजुर्ग नेता अध्यक्ष पद संभालना नहीं चाह रहा।
कोई नहीं चाहता कि पहले तो उसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए और बाद में उसके साथ इस तरीके से सलूक किया जाए कि जो उसके पूरे राजनीतिक जीवन को बर्बाद कर दे। तो कांग्रेस का भविष्य आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो बापू की स्थिति है, जो अभी तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। इस आधार पे कुछ अच्छा हो सकता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है।